नैना देवी ब्लॉक यूथ कांग्रेस द्वारा प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा की घेराव करने की धमकी फ्लॉप साबित हुई है। कोई भी यूथ कांग्रेस का पदाधिकारी बहिष्कार करने के लिए घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। ब्लॉक यूथ कांग्रेस द्वारा घेराव की बात कहे जाने पर मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। गौरतलब है कि नैना देवी यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा द्वारा स्कूलों में आयोजित किए जा रहे वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जाकर अध्यक्षता किए जाने पर गहरी आपत्ति जताई थी। नैना देवी यूथ कांग्रेस का आरोप है कि बिना किसी सरकारी औहदे के भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा द्वारा स्कूलों के कार्यक्रमों में जाकर शैक्षणिक गतिविधियों को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। बता दें कि जकात खाना स्कूल में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा का बहिष्कार करने व काले झंडी दिखाकर गो बैक करने की चेतावनी नैना देवी यूथ कांग्रेस द्वारा की गई थी। यूथ कांग्रेस की उक्त धमकी का नैना देवी कांग्रेस कमेटी द्वारा भी समर्थन करने का ऐलान किया गया था। इसी के चलते जकात खाना स्कूल व इसके आसपास भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि कोई अप्रिय घटना इस मौके पर ना हो सके। जहां तक शर्मा जी को चीफ गेस्ट बुलाने का फैसला है वो सबका साझा है, एसएमसी का फैसला है, साथ में सारे स्थानीय लोग भी इसमें शामिल हैं। इसमें इनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। जहाँ तक प्रोग्राम की बात है, हम अपने प्रोग्राम की तैयारियों में यहाँ पे बिल्कुल तत्परता से लगे हुए हैं, सभी इसमें साथ दे रहे हैं। वो कौन लोग हैं, मेरे ख्याल में बाहर के ही लोग हो सकते हैं, लोकल तो मेरे को कोई लगता नहीं है। और बाकी भी बहुत जगह ऐसे प्रोग्राम हुए हैं जहाँ शर्मा जी अभी पिछले कल भी जुफाला में गए थे तो वहाँ भी मेरे को कोई ऐसा समाचार नहीं मिला कि कोई विरोध हुआ है। यहाँ कोई शरारती तत्व ऐसे हैं जो जानबूझ के इस इलाके का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन हमारी स्थानीय जनता इसमें बिल्कुल हमारा सहयोग कर रही है, प्रोग्राम बड़ा शांति के चला हुआ है। हाँ, जहाँ तक स्कूल के सुरक्षा की व्यवस्था की बात है, उसके लिए हमने पुलिस प्रशासन को पहले से आगाह कर रखा है और उसके लिए पूरी उन्होंने प्रोटेक्शन देने की बात कही है। और जहाँ तक मुझे आइडिया है कि स्कूल के अंदर ऐसा कोई शरारती तत्व नहीं घुस पाएगा, ऐसा पूरा प्रबंध प्रशासन ने कर रखा है, प्रशासन की तरफ से हमें पूरा आश्वासन मिला हुआ है। कोई भी शरारती तत्व या गुंडा तत्व कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश करता है तो उसके बिल्कुल कानून है, कानूनी कार्रवाई प्रशासन जरूर करेगा, ऐसा मुझे।